गोवर्धन के कस्बा अड़िंग में पुत्रवधु के भाइयों ने ससुर को चाकू से गोद कर बुरी तरह घायल कर दिया। क्या था पूरा मामला जरा अभी देखिए। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग में रिश्तों को ताक पर रख देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां पुत्रवधु के भाइयों ने अपनी ही बहन के ससुर यासीन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हम आपको बता दें कि ससुर यासीन अपने घर में सो रहा था, तभी पुत्रवधु के भाई आरिफ हसन और अन्य व्यक्ति निवासी बल्लभगढ़ के साथ उनके घर पर आ धमके और अपनी बहन के ससुर यासीन पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे यासीन को गंभीर चोटें आईं। गंभीर अवस्था में यासीन को अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर हमला किया तो क्यों। हैं? क्या बात हुई, कैसी चोट लगी है? तो मैंने ना पिए, वो बोल बतला के नहीं, फिर ना आटा फाटा फैलाएं पर आतिम करके नहीं, फिर डिब्बा लुढ़का एक ने, फिर आगे नहीं अगर ना मैंने कहा काई फैला रहे, तो फैलाने के बाद फिर भी चढ़ गए तीनों जने मेरे पास, खाट पर लेट हुए। कितने लोग थे? तीन लोग। तीन है। कहाँ के रहने वाले, कौन थे वो? कौन ये? हाँ, जिन्होंने आप तुम पर हमला किया? बल्लंगढ़ से अभी आए, मुझसे तो हुए हमला करा के नहीं। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? मैं तब भी होश में, मोहल्ले वाले ने हल्ला मचा, जब जाकर मोहल्ले वाले आए, वो ने बचाया, वो पता ही ना कब हॉस्पिटल लेके आए वो। नहीं, फिर वो जो जिन्होंने हमला किया था वो लोग कहाँ हैं? वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो हॉस्पिटल ना, वो होश में आया हूँ। सलमान नाम है। समझिए, जिनकी चोट लगी है वो कौन लगते हैं आपकी? वो साले हैं मेरे। जिनकी चोट लगी है? ये पिताजी हैं। कैसे चोट लगी इनके? ये सालों ने आके पीछे से हमला किया है इन्होंने। कहाँ के रहने वाले थे वो? बल्लमगढ़ के रहने वाले। कितने लोग थे? तीन लोग हैं, एक घरवाली है मेरी और दो साले हैं। तो मतलब कि चोट जो पहुंचाई, किस द्वारा पहुंचाई, कैसे हमला किया था? कैसे उन्होंने चाकू मारा है और डंडे वगैरह मारे हैं। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस को दे दी। क्या हुआ, पुलिस आई? पुलिस आके उनको पकड़ के ले गई। FIR वगैरह कोई एप्लीकेशन दिया आपने पुलिस को? FIR नहीं करी। एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं दी? कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? एप्लीकेशन दे दी।